हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये जो श्रृंखला है इसमें संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ऐड किया गया है जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए हम फटाफट इसका एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये कौन से क्वेश्चन हैं और कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये भी पता चल जाएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और अपने आप से उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और टेलीग्राम पे भी लिंक मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देरी न करते हुए हम रिविज़न कर ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? ये कांग्रेस पार्टी से थे। और इसके अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। और इसकी सर्वप्रथम मांग किसने उठाई थी? पहले इसकी मांग, संविधान सभा की मांग किसने उठाई थी? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। किसने उठाई थी? बाल गंगाधर ने उठाई थी। और पांचवीं बार 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? अभी हमने पहले क्वेश्चन में ही इसको डिस्कस कर लिया था कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे हमारे। ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। और इसमें जो थे, और इसमें 6 सदस्य और भी जो थे वो थे एन गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र। इनके स्वास्थ्य सही नहीं था, इसके कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और इसके पश्चात इनका जो पद था वो किसने संभाला था? एन माधव राव ने इनके पद को संभाला था। और छठे नंबर के जो थे, टोटल इसमें 7 मेंबर थे। तो ये जो लास्ट मेंबर का, अब मैंने 6 का तो बता दिया, 7वें जो मेंबर थे डीपी खेतान। कौन थे? डीपी खेतान। और इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई। और इनके पश्चात जो था, इनका पद किसने संभाला था? वो थे टीटी कृष्णमाचारी थे। कौन थे? टीटी कृष्णमाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 26 नवंबर 1949। कब पारित किया गया था? ऑप्शन डी सही है, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और ये इसमें जो 15 अगस्त 1947 दिया गया है, इस दिन हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत कब गणतंत्र बन गया? भारत कब गणतंत्र बना? ये कब गणतंत्र बना? 26 जनवरी 1950 को।
कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। कब किया? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से स्वतंत्र गणतंत्र घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? कब अपनाया? सभी का एक ही मतलब है, तो ये भारतीय सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। और इसका पहली बार ये कहाँ पे, किस सभा में गाया गया था? ये 27 दिसंबर 1911 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभा जो हो रही थी, कहाँ पे हो रही थी? कोलकाता में हो रही थी, वहाँ पर ये प्रथम गाया गया था। और इसके रचयिता कौन थे? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। और वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कितने अधिकारों की, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय नागरिकों में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? जब संविधान पारित हुआ था उस समय कितनी थी? उस समय थी 7। कितनी थी? 7 थी। लेकिन उस समय 7 थी, अभी भी कुछ लोग 7 ही पे टिक कर देते हैं, अभी उनको पता नहीं है कि संविधान का जो मूल अधिकार था वो हटा दिया गया है। कब हटा दिया गया? 1978 में हटा दिया गया, 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। और ये अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अब इस पे सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार अगर चाहे तो उसके मुआवजा देकर आपको आपसे ये जो संपत्ति का अधिकार है आपसे ले सकती है। और जब संविधान पारित हुआ था तो उस समय जो मूल अधिकार 7 थे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला था समानता का अधिकार, और दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म, और पांचवा कौन था? संस्कृत एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, छठा संपत्ति का अधिकार, सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो संपत्ति का अधिकार है यही 44वें संविधान संशोधन में हटाया गया। अभी मूल रूप से कितने हैं? वो हैं 6। कितने हैं? 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूल अधिकारों का रक्षक जो है किसे कहते हैं? मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद, या फिर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों को कहते हैं, किसे कहते हैं? इसको, ये है जो ऑप्शन डी इसमें सही है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इसके रक्षक दोनों होते हैं, दोनों ही होते हैं इसके रक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? किसको उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? संविधान की किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई है? किसे दी गई है? वो दी गई है प्रस्तावना को। किसे दी गई है? प्रस्तावना को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में ही डिस्कस कर लिया था, इसको किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? भारतीय जो है शक्ति, संघ की जो शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है? वो होती है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। किसमें निहित होती है? होती है भारत के संसदीय व्यवस्था में जो रहते हैं राष्ट्रपति।
किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। और इसका राष्ट्रपति नाम संसदीय व्यवस्था को अपनाया, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए संविधान राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल जो है वास्तविक कार्यपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है, वो है ये ऑप्शन सी सही है, इसमें राष्ट्रपति में निहित है। किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन सी विधि अपनाई जाती है? इसमें जो है इसमें जितने भी दिए गए हैं सभी विधियों को अपनाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? जो निर्विरोध चुने गए थे वो राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी छठे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन से लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन से लगाया जा सकता है? वो किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है। इसमें जब भी महाभियोग राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा उसके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? वो होते हैं राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं भारतीय सेनाओं के, वो होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, इसमें कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। कौन होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और इनका एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वो करते हैं राष्ट्रपति। कौन करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो कौन प्रमाणित करता है? फटाफट बताइएगा, कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा के अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित धन विधेयक लोकसभा के पास होने के बाद राज्यसभा में भेजी जाती है। राज्यसभा धन विधेयक को ना तो अस्वीकार कर सकती है और ना ही उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन उसे वैधानिक हक रख सकती है, उस पर अपना हक रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के खंड 1 के अनुसार भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति का नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसे भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों
में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी का मुख्य कार्य संघ सरकार को कानूनी मामले में राय देना होता है। क्या काम होता है महान्यायवादी का? ये जो है राष्ट्रपति को, संघ सरकार जो होते हैं, राष्ट्रपति संघ सरकार में कानूनी मामलों की सलाह जो भी होती है कानूनी मामलों में राय देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 21वें नंबर का क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? वो चलाते हैं ऑप्शन डी, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या मुख्यमंत्री। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का यह कार्य विभिन्न संघ शासित क्षेत्रों में प्रशासक की नियुक्ति करके करता है। राष्ट्रपति जो है वो हर संघ शासित क्षेत्रों में अपना जो प्रशासक है नियुक्त करता है। प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है? तो अधिवेशन कितने होना अनिवार्य है? कम से कम पूछा गया है, कम से कम कितने अनिवार्य है? तो वो है दो। कितने अनिवार्य है? दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? वैसे भी जितना विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा जितना भी है सभी में यूपी फर्स्ट रैंक पे है। कौन है? यूपी। विधानसभा के सदस्यों में सर्वाधिक संख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? कहाँ है? वो है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन जो था किससे संबंधित था? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? वो था पंचायती राज से, वो था पंचायती राज से संबंधित था। वर्ष 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्राम समिति मध्यवर्ती स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर शामिल किया गया। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संबंधित है पंचायती राज से संबंधित है। तो दोस्तों इस श्रृंखला में 25 क्वेश्चन ही थे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और डेली आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि इसमें जो क्वेश्चन है उसका लाभ आपके दोस्तों को भी मिले और सफलता सभी को मिल जाए। तो ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।